सीपी सर से जब आपने सब कुछ सुना, तब जरूर ये भी सुना होगा कि ये बैग आप लोगों की जूट मिल से मिला था। ये मेरे अब्बू का बैग है। इस बैग को मैं कभी अपने से दूर नहीं करती थी। उसके बाद एक दिन मेरा एक्स हस्बैंड जावेद इसे उठाकर रास्ते में फेंक दिया। उस दिन से मैंने ये बैग सिद्धार्थ के पास रख दिया था। अब अगला सवाल आता है, ये बैग आपकी जूट मिल तक कैसे पहुंचा? सुना है खूनी इसे यूज करता था। ये तुम्हारे अब्बू का बैग है? श्योर? अब अगर आबिरलाल ही खूनी होते तो ये बैग उनके पास होना नहीं चाहिए था। बिकॉज आई नो फॉर श्योर पहले 4 मर्डर्स के दौरान ये बैग किसके पास था। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि आबिरलाल जी हमारे दुर्योधन नहीं है। इंटरेस्टिंग। मैं अपनी बात खत्म कर लूं सर? हाँ श्योर। जिसने सिद्धार्थ का मर्डर किया, अगर कहूँ वही इस बैग को सिद्धार्थ के घर से बैरकपुर तक ले गया, ऑब्वियसली ऐसा कोई होगा जो इजीली वहां पहुंच सकता था। एंड टू मिसलीड द पुलिस। यस, आवर बिलव्ड ऑनरेबल सीएम, यू किल सिद्धार्थ। एक्चुअली एक बात कहूँ सर, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट क्राइम। कोई ना कोई सुराग तो छूट ही जाती। इन योर केस आई अज्यूम दिस लेदर बैग। सिद्धार्थ का खून करने के बाद आपने उसके मोबाइल और लैपटॉप की तलाशी ली। उसके बाद मोबाइल को रख के तय किया कि सिर्फ लैपटॉप को ले जाएंगे। एक बैग की जरूरत आन पड़ी। और क्या अजीब कोइंसिडेंस, देखिए आपने वही बैग लिया जो कि असल में मेरा है। आपने रियलाइज भी नहीं किया कि बैग के अंदर रखी हुई वो सारी चीजें दरअसल मेरे बचपन की यादें थीं।